तुमने किसी और कंपनी के साथ 2 साल का मुआहदा कर लिया है बा? हाँ, किया है तो? How can you do this? तुम मेरे लिए काम करती हो, इतनी प्रोडक्शन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया मैंने तुम्हें, इतनी कंपनीज की असाइनमेंट सिलवाई है सिर्फ अपनी जमानत में मैंने तुम्हें, तुमने मेरी राइवल कंपनी के साथ मुआहदा क्यों किया? आप शायद भूल रहे मिस्टर रुमेल हसन, आपने जो कुछ मेरे लिए किया मुझ पर एहसान नहीं किया। और वैसे भी तुमने ही कहा था ना कि तुम बहुत से चेहरे मुतारिफ करवाते हो और हर चेहरा हिब्बा हाशमी नहीं बन जाता। ये मेरी जिंदगी है, इस पे फैसले करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मुझे है। तुम्हें जिसके साथ ताल्लुक निभाना जाके निभाओ, इससे मेरा क्या लेना देना? कोई इतना भी कैसे बदल सकता है हिब्बा? सिर्फ इसलिए कि मैंने जितना तेज दौड़ने की कोशिश कर रही हो ना हिब्बा, तुम मुंह के बल गिरोगी और ये मैं नहीं दे सकता कि मेरे हाथ का तराशा हुआ हीरा मट्टी में मिल जाए। 2 कौड़ी की कर देंगे वो तुम्हारी इज्जत को। इसके बावजूद मैं तुम्हारे पास अपनी बोली लगाने के लिए कभी नहीं आऊंगी। इतने बरसों का साथ है तुम दोनों का, लेकिन फिर भी ना तो तुम्हें मोहब्बत करने का सलीका आया है ना तो वफा करने का हुनर। तुमने रुहेल हसन के साथ अच्छा नहीं किया हिबा, वो ठीक कह रहा है, आज इस पोजीशन पर तुम हो, उसने उसके लिए बहुत मेहनत की है, तुम्हें तो उसका एहसानमंद होना चाहिए। हाँ हूँ मैं उसकी एहसानमंद, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं कि मैं उसके एहसानों की फहरिस्त अपने माथे पर लगा के फिरते रहूँ। लेकिन हाँ, अगर वो ये फहरिस्त अपने पुश पर लगा कर फिरना चाहता है ना, तो मैं इसे रोकूंगी नहीं। अच्छा तुम गुस्सा मत करो हिबा, तुम बहुत गुस्सा करने लगी हो, हर वक्त तुम्हारे माथे पर बल पड़े रहते हैं, हर वक्त तुम्हारे होठों पर तलखियां बिखरी रहती हैं। क्या दुनिया में इज्जत दौलत शौहरत पा लेने के बाद ये तलखी एक खफगी इंसान का मुकद्दर बनती है? अगर ऐसे ही है तो फिर इस कामयाबी का फायदा ही क्या? इससे बहुत बेहतर तो वो नाकामी है जो इंसान को मुस्कुराकर खंदा पेशानी से जीना सिखाती है, डाउन टू अर्थ कर देती है। रुहेल हसन बहुत एक्सपीरियंस्ड इंसान है, वो इस फील्ड के हर अच्छे बुरे इंसान को बहुत अच्छी तरह से जानता है। तुम्हें उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसके राइवल से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए था। तूबा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ कॉन्ट्रैक्ट तैयार जरूर हुआ था, लेकिन मैंने उस पर साइन नहीं किए और ना ही मेरे ऐसा कुछ करने का इरादा है। तो फिर तुमने ये बात रुहेल हसन को बताई क्यों नहीं? वो इतना खफा हो रहा था और तुम खामोशी से उसकी सारी बातें सुनती गई। तुम उसको कह तो देती एक बार। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो इसी आग में जलता घुटता रहे, ये सोच सोच कर। लेकिन क्यों? Because I hate him, तुबा। तुम्हें याद था कि आज मेरी बर्थडे? कितने साल की हो गई है तुम? 24। इन 24 सालों में
आज तक तुम्हारी सालगिरह भूली हूँ मैं। You know what? आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया और तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट केक भी। तो मुझे नहीं सुधरने दोगी तो बा? वो कैसे? तुम्हें पता नहीं है कि जब मुझसे कोई बहुत ज्यादा प्यार करता है ना थोड़ी मगरूर हो जाती है। ये मेरी मोहब्बत ही तो है ना हिबा, जिससे तुम्हें बिगड़ने नहीं दिया। बिखरने नहीं दिया? तुम्हारी हो ना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हाँ मैं आ रही हूँ। ओके बाय। ओके हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप बताएं आपने कैसे याद किया मुझे आज? जी जी सुल्तान साहब, मैं ज़रूर करती आपके साथ काम, लेकिन इन्हीं डेट में मैं रुहेल हसन के साथ काम कर रही हूँ। जी जी तकरीबन फाइनल है। क्या? नहीं नहीं आपको ज़रूर किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी। ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐड तो मैं रोहित हसन के साथ कर रही थी, वो ये किसी और को कैसे दे सकता है? आर यू श्योर? ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम जानते थे ना कि लीना लॉन का कमर्शियल मैं करना चाहती हूँ, तो फिर इसके लिए जवेरे को क्यों साइन किया? हेवा, कौन कहाँ बेहतर परफॉर्म करता है? ये मैं आपसे बेहतर जानता हूँ। क्यों? क्या मैं उससे ज़्यादा टैलेंटेड और ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ? हेवा तुम चाहती क्या? क्या तुम ये चाहती हो कि सिर्फ तुम्हारे चेहरे और तुम्हारे टैलेंट की यहाँ पे तारीफ होती रहे? नए आने वालों का रास्ता मत रोको, ये ज्यादती है। मैंने खुद 4 बार ऑडिशन किया है जवेरिया के इस कमर्शियल के लिए, एंड आई रियली थिंक शी डिजर्व दिस कास्टिंग। जिस रोल में तुम बैठती होगी मैं तुम्हें कंसिडर कर लूंगा। तुम ये क्यों नहीं कहते कि मैंने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाकर उस कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन किया? तुम इसी बात का बदला मुझसे ले रहे हो ना? हेवा मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा कि तुमने इस वजह से दूसरी कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लिया है, क्योंकि मैंने तुम्हारा हाथ नहीं थामा। ये जानते हुए कि वो सबसे बड़ा हरीफ है मेरा। अगर तुम मुझे ब्लेम भी करते ना तो मैं तब भी मान लेती, लेकिन तुम भी ये बात मानो रुहेल हसन कि तुम ये सब कुछ बदले की आंख में कर रहे हो। हिबा, मैं तुम्हारी तरह कम जर्ब और जल्दबाज नहीं हूं। मैंने जवेरिया को इसलिए कास्ट किया बिकॉज शी डिजर्व दिस रोल। नहीं बल्कि तुम अब मेरी कामयाबी से जलते हो, खौफ ज्यादा हो, इसलिए किसी भी लड़की को मेरे सामने लाकर खड़ा करना चाहते हो। ठीक है, करो अपनी मनमानी, लेकिन एक बात याद रखना रुहेल हसन, आज से मैं वही करूंगी जो मेरा दिल करेगा। तो अब तक तुम क्या कर रही मिस हिबा हाशमी? तुम जितनी अपनी मनमानी करना चाहती थी तुमने की। तुमने कभी भी मेरी पसंद या मेरी खुशी के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। हिबा, मैं तुमसे उतना ही सिंसियर हूं जितना पहले दिन से था, लेकिन तुम, हां तुम हिबा, तुम ना तो कभी पहले सिंसियर थी और ना कभी हो सकती हो। रोहित, ये तुम कह रहे हो? जिसकी पसंद और खुशियों के लिए मैंने अपनी पसंद और खुशियों को हमेशा पीछे रखा, मैं हिब्बा हाशमी
जिसने दुनिया में आज तक किसी की नहीं सुनी, लेकिन उसने तुम्हारी सुनी। मैंने अपनी हर कामयाबी का सहरा तुम्हारे सर पे बांधा, अपनी हर नाकामी को अपने नाम किया मैंने। मैं हर महफिल में तुम्हारे करीब आने की कोशिश की, अपनी तन्हाइयों को तुम्हारे नाम से आबाद किया मैंने रोहेल, और तुम मुझे ये कह रहे हो नहीं रोहेल, तुमने बहुत गलत किया। मिस हिबा हाशमी, मेरा कैरियर तबाह करने के बाद खुद हवाओं में उड़ रही हो। फिलहाल मैं कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ। हमने इनकी जान बचाने की पूरी कोशिश की है और काफी हद तक हम इसमें कामयाब भी रहे। जहां तक इनकी मुकम्मल सेहत याबी का ताल्लुक है, फिलहाल मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। इनके दिमाग के पिछले हिस्से पर शदीद चोटें आई हैं और इनकी बैकबोन भी मुतासर हुई है। 6 से 8 माह तक तो ये हिल भी नहीं सकती। खदशा ये भी है, अल्लाह ना करे, ज़हनी माजूरी भी हो सकती है। आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को डिसार्ड नहीं करना चाहता, लेकिन कोई उम्मीद भी नजर नहीं आती। मुकम्मल रिपोर्ट तो उनके होश में आने के बाद ही सामने आएगी। डॉक्टर, उसको होश कब तक आ जाएगा? इंशाल्लाह 24 घंटे तक उनको होश आ जाएगा, बस आप दुआ कीजिए। एक्सक्यूज मी। तो बात प्लीज परेशान ना हो, हौसला रखें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा अभी तक सोए नहीं आप? नहीं बाबा, नहीं आ रहे। मैं आपके लिए काफी लाऊं? नो थैंक यू बाबा।
बहुत देर होगी, आप ही सो जाओ। एक बात कहूं बेटा? जी मुख्तार भाई, कैरियत आप शादी कर लें। पापा कल सुबह नाश्ता दे दीजिएगा मुझे। मैं तुमसे उतना ही सिंसियर हूं जितना पहले दिन से था, लेकिन तुम, हां तुम हिबा, तुम ना तो कभी पहले सिंसियर थी और ना कभी हो सकती हो। रोहित, ये तुम कह रहे हो? जिसकी पसंदर खुशियों के लिए मैंने अपनी पसंद और खुशियों को हमेशा पीछे रखा, मैं हिब्बा हाशमी, जिसने दुनिया में आज तक किसी की नहीं सुनी थी, लेकिन उसने तुम्हारी सुनी। मैंने अपनी हर कामयाबी का सेहरा तुम्हारे सर पे बांधा। हिब्बा को होश तो आ गया, मगर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। दिमाग की रगें बहुत मुतासिर हुई हैं, लेकिन खुद से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही। इनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई है, जिस्म के किसी भी हिस्से को हरकत देने के काबिल नहीं रही, हत्ता के जबान तक नहीं हिला सकती। ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर? इनकी सेहतमंदी का चांस 20-25% है। ये इनकी विल पावर पर डिपेंड करता है और सेहतमंद होने की शदीद ख्वाहिश पर भी, और फिर हम मुसलमान होने के नाते दुआओं पर भी यकीन रखते हैं और खुदा की मदद से हो जाने वाले मौजज़ों पर भी। मे भी इनकी एक या दो बार फिर से सर्जरी करनी पड़े। इन सर्जरीज के बाद कितनी रिकवरी होती है ये कहना कुछ कबल अज़ वक्त होगा। एनीवे, दुआओं में बहुत ताकत होती है, दुआ कीजिए और जहाँ तक मुमकिन हो सके इनका ख्याल कीजिए, और ख़ास तौर पर इन 24 घंटों में इनके पास एक अटेंडेंट का होना बेहद ज़रूरी है। प्लीज बैठिए। थैंक यू। हिबा कैसी है? वैसे ही जैसे इस तरह कोई गुड़िया पड़ी हो। समझ नहीं आता ये सब कुछ कैसे हो गया। तुबा, मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं, शायद आपको सही अंदाजा नहीं है। कैसे मामला? मैं कुछ समझी नहीं। तुबा, दरअसल हिबा ने दो बहुत बड़ी कंपनियों से दो ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे, और इन कॉन्ट्रैक्ट्स की पेमेंट वो एडवांस में हासिल कर चुकी है। ये घर उसने इसी पेमेंट से खरीदा था, लेकिन अब हमें ये पेमेंट्स वापस करनी होगी।
वो पैरालाइज होकर बिस्तर पर आ गई है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अपना काम कैसे कंप्लीट करवा सकती है रोहिल साहब, इतना तो आप समझ सकते हैं ना? मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ तुबा, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने उसे अपनी जमानत पे दिलवाए थे। मेरी रिकमेंडेशंस पे उसे ये पेमेंट्स एडवांस में मिली थी। ये बहुत बड़ा लॉस है उन कंपनीज का। मेरी बहन के साथ ना बड़ा हादसा हो गया, वो माजूर होकर बिस्तर पर आ गई और आप लोग अपनी पेमेंट्स की पड़ी हुई है। सच कहते हैं लोग, ये मस्ती चेहरों वाली झूठी अंधा कर देने वाली रोशनियों की दुनिया किसी की नहीं होती। यहाँ जो लाइमलाइट में है वही जिंदा है, लोग उसी के आगे पीछे घूमते हैं, और जो इस दायरे से बाहर निकल गया उसे दुख और पछतावा के अंधेरे निकल लेते हैं। कल तक तो हिबाब के लिए सब कुछ थी, और आज आपने उसको पूछा था गवारा नहीं किया। आपको हिबा की नहीं कंपनी की डूबी हुई रकम की पड़ी हुई है। तुबा बिलावजह नाराज हो रही है मुझसे। जी हाँ, आपके ख्याल में मैं आप पे बिलावजह नाराज हो रही हूँ, लेकिन उधर बिस्तर पर जो नीम मुर्दा लड़की पड़ी है वो शायद आपके लिए कुछ नहीं होगी, लेकिन वो नीम मुर्दा वजूद मेरे लिए सब कुछ है। आप बेफिक्र हो जाए, आप तक आपकी सारी पेमेंट्स पहुंच जाएंगी, और प्लीज अब आप यहाँ से तशरीफ ले जा सकते हैं। सच कहते हैं लोग, ये मस्ती चेहरों वाली झूठी अंधा कर देने वाली रोशनी की दुनिया किसी की नहीं होती। यहाँ जो लाइमलाइट में है वही जिंदा है, लोग उसी के आगे पीछे घूमते हैं, और जो इस दायरे से बाहर निकल गया उसे दुख और पछतावा के अंधेरे निकल लेते हैं। कल तक तो हिबाब के लिए सब कुछ था, और आज आपने उसको पूछा भी गवारा तक नहीं किया। तुबा बेटा, आपने खाना नहीं खाना, बहुत देर हो गई है, खाना लगा दूं? नहीं आपा, मुझे भूख नहीं है। हिबा सो गई क्या? नहीं, खुली आंखों से छतों और दीवारों को देख लिए। मुझे लगता है आपकी राह देख रही है। कितना कहा था ना मैंने हिबा, इतना तेज मत भागो, जो जितना तेज भागता है उसके गिरने का उतना ही ज्यादा खतरा होता है। कितना समझाया था ना कि दुनिया की चाहत मत करो, दुनिया की चाहत करने वालों को दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता। दिल को बड़ा रखते हैं बा, झोली को छोटा रखते हैं। कितना समझाया था ना मैंने तुम्हें, लेकिन तुम नहीं समझी। कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पता है वाह, जब तुम छोटी सी थी ना तो कोई भी शरारत करके मेरे पीछे आकर चुप रहा करती,
पता नहीं क्यों मुझे आज वो बचपन के दिन बहुत याद आ रहे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुमको शरारत करके मेरे पीछे आकर चुप गई हो। दुबा मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं। हिबा ने दो बहुत बड़ी कंपनियों से दो ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे और इन कॉन्ट्रैक्ट्स की पेमेंट वो एडवांस में हासिल कर चुकी है, लेकिन अब हमें ये पेमेंट्स वापस करनी है। दुबा, दरअसल मैं आपसे अपोलोजाइज करने आया था। उस दिन अनजाने में मैंने पता नहीं क्यों आपको इतना हर्ट कर दिया, लेकिन मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। मैं आपको सिर्फ ग्राउंड रियलिटी से आगाह करना चाहता था, दैट्स इट। माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, जो कुछ हुआ उसमें आपका तो कसूर नहीं था ना। फिर भी मैं पता नहीं क्या ऑल फोर बोल गई। ये तो आपका बड़ापन है कि आप मुझसे खफा होने की बजाय मुझसे माफी मांग रहे। तो कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, बहुत हम्बल सा इंसान। आप प्लीज बैठिए ना। नो इट्स ओके। हिबा का क्या हाल है, कैसी है वो, मैं उसे मिल सकता हूँ? जी जी क्यों नहीं, प्लीज आइए। हिबा देखो तुमसे मिलने को आना है। Hey, Hiba. How are you? Yes, you, Hiba. वैसे बहुत मोहब्बत है आपको अपनी बहन से। मोहब्बत का जज्बा बहुत गहरा, बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा होता है। वो इंसान का दिल छोटा पड़ जाता है। और ये जो ढेर सारी मोहब्बत का मरकज कोई एक शख्स होना, फिर सारी की सारी मोहब्बत उस पर निछावर करनी पड़ती। मेरी जिंदगी में तो हिबा के अलावा कोई भी नहीं है, और मेरे दिल में मोहब्बत का जितना भी खजाना है सिर्फ उसी के लिए तो है। बहुत होगा। आई एम रियली इंप्रेस्ड। इसमें इंप्रेस होने वाली क्या बात है, मोहब्बत तो हर इंसान के अंदर होती है। हर शख्स किसी ना किसी को टूट कर चाहता है, और हर शख्स किसी ना किसी की मोहब्बत का मरकज होता है। इसीलिए तो हम जिंदा हैं, वरना ये दुनिया इंसानों से नहीं रोबोट से चलती। वैसे आपकी अपनी बहन के लिए मोहब्बत देखे मैं थोड़ा सा एनवी कर रहा हूं। मेरी माँ भी मुझसे वैसे काफी प्यार करती हैं, मेरा ख्याल तो है। आपका ख्याल यकीनन ठीक होगा। हाँ शहील साहब, कुछ दिन आपने मुझसे हिबा के लिए भी पेमेंट्स के बारे में बात की थी, तो आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने हिबा की अकाउंट डिटेल्स चेक की हैं और उसमें इतनी रकम है नहीं।
मुझे लगता है कि मुझे इस घर को सेल करना पड़ेगा। दुबा ये क्या कह रही हैं आप? इस घर को बेचना चाहती हैं? लेकिन दुबा ये घर तो हिबा ने बहुत ही ख्वाहिशात और अरमानों से खरीदा था। मुझे याद है वो जितनी खुश थी जब वो यहां शिफ्ट हो रही थी। खुशी जब रास नहीं आना रोहिल साहब तो बेमायने हो जाती है। और हम जिन खुशियों को जुगनू समझकर पकड़ते हैं वो अंगारा बनकर हमारी हथेली को जला देती है। मोहब्बत का जज्बा बहुत गहरा, बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा होता है। वो इंसान का दिल छोटा पड़ जाता है। और ये जो ढेर सारी मोहब्बत का मरकज कोई एक शख्स होना, फिर सारी की सारी मोहब्बत उस पर निछावर करनी पड़ती है। मेरी जिंदगी में तो हिबा के अलावा और कोई भी नहीं है। और मेरे दिल में मोहब्बत का जितना भी खजाना है सिर्फ उसी के लिए। तो जी रोहिल कहिए, खैरियत तो है ना? आपने इस वक्त फोन किया? ओह आई एम सो सॉरी तुबा, मैंने रियलाइज नहीं किया था कि थोड़ी देर हो चुकी है। आप सो तो नहीं रही थी? मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया कहीं? नहीं नहीं इट्स ओके, मैं सो नहीं रही थी। आप बताइए आपने किस लिए फोन किया? तुबा एक्चुअली मैं ये कहना चाहता था कि आप प्लीज पेमेंट्स के लिए फिक्र ना कीजिएगा, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, प्लीज आप टेंशन मत लें। तो आपने सिर्फ इसलिए फोन किया मुझे, सिर्फ ये कहने के लिए? जी इसीलिए कॉल की थी, बस यही कहने के लिए। ओके खुदा हाफिज। तो वह आपकी उस दिन की बातों ने मुझ पर बहुत गहरा असर डाला है। ये फील ऐसे ही है, यहां सब चढ़ते सूरज के पुजारी होते हैं और डूबते सूरज को कोई नहीं पूछता। मेरा और हिबा का ताल्लुक शोबे से हटके भी कुछ था। वी आर गुड फ्रेंड्स, हम कंपैटिबल थे, सिंसियर थे। छोटी मोटी तलखियां तो हर रिलेशनशिप में आ जाती हैं, ओवरऑल हमारा ताल्लुक खलूस और एतबार का ताल्लुक। लेकिन हिबा में एक कमजोरी है, वो बहुत जल्द ट्रस्ट कर बैठती है, बहुत जल्द बदगुमान हो जाती है। चाहतों में भी जल्दबाजी और खफगियों में भी जल्दबाजी। वाकई बहुत अच्छी तरह से जानते हैं बाप, मान गए कि आप दोनों वाकई बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुबा अगर आप माइंड ना करें तो मैं एक फेवर करना चाहता था।
हिबा की तमाम तर पेंडिंग पेमेंट्स मैं अपने अकाउंट से वापस करना चाहता हूँ। अल्लाह करे वो सेहतयाब होकर जल्द वापस आ जाए, लेकिन फिलहाल ये मेरी एक सिंसियरिटी का टोकन समझे। ये आपका बहुत बड़ा एहसान होगा रोहित साहब। प्लीज दुबा, लोन दे रहा हूँ, पाई पाई वसूल करूंगा सूद के साथ। एक बात पूछूं रोहित साहब, क्या मैं हिबा के हिस्से का बाकी काम मुकम्मल नहीं करवा सकती? Peace.